हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी कोचिंग में समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जिनमें से कई तो आपके सामने आ चुकी होंगी कहीं ना कहीं से, और कई ऐसी होंगी जो अननोन होंगी, पहली बार सामने आएंगी। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका फ़ायदा उठाएं। विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड, क्या कहलाते थे, द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। इनको इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि कहा जाता था। द बार्ड ऑफ अवन, अवन का कवि इनको कहा जाता था। विलियम शेक्सपियर को इन दो नामों से पुकारा जाता था। हिज वाइफ एनी हैथवे वॉज 8 years सीनियर टू विलियम शेक्सपियर। उनकी बीवी 8 साल इनसे बड़ी थी उम्र में। शी वॉज 3 months ऑफ प्रेगनेंट, और 3 महीने की प्रेगनेंट थी एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के टाइम पर ये 3 महीने की प्रेगनेंट भी थी। इन 1594 शेक्सपियर वॉज द चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी द चैम्बरलेंस मैन। तो इन 1594 में शेक्सपियर क्या बने थे, ये चार्टर मेंबर ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी, इसके चार्टर मेंबर बने थे द चैम्बरलेंस मैन। फिर चेंज इट्स इन 1603 टू किंग्स मैन। चैम्बरलेंस मैन को बाद में 1603 में किंग्स मैन का नाम दिया गया, आफ्टर किंग जेम्स फर्स्ट। द शॉर्टेस्ट प्ले, हम लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे हैं, उसमें से सबसे छोटा प्ले देखें द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें सिर्फ 14,369 वर्ड्स और 1787 लाइंस थी। द लॉन्गेस्ट प्ले ये हैमलेट है। अगर आपसे पूछा जाए विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है, तो आप कहेंगे द कॉमेडी ऑफ एरर्स, और सबसे लंबा प्ले कौन सा है, वह है हैमलेट। इसके अंदर 29,551 वर्ड्स एंड 4,042 लाइंस, ये इतना लंबा लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट। आगे देखते हैं, एट द टाइम ऑफ विलियम शेक्सपियर हिज डेथ हिज 21 प्लेज वर प्लेइंग इन 21 थिएटर। 21 प्ले उसके हाथ से लिखे हुए, विलियम शेक्सपियर की मौत के वक्त 21 प्ले 21 थिएटर में कहीं ना कहीं चल रहे थे। ड्यूरिंग 1600 टू 1611 ही कंपोज मैनी प्लेज, ये प्ले कंपोज करने का इनका टाइम 1600 से 1611 के बीच में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्ले कंपोज किए हैं। ही ऑल्सो बॉट ए प्लॉट, इन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था, अ पीस ऑफ ग्राउंड नियर द ब्लैक फ्रायर्स थिएटर। ब्लैक फ्रायर्स थिएटर जो था उसके करीब में प्लॉट भी इन्होंने खरीदा था। ये प्लॉट इनके जी का जंजाल भी बना था, क्योंकि ये प्लॉट जो है असल में द ब्लैक फ्रायर्स हाउस वॉज द पार्ट ऑफ ए लार्ज प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बेकन फैमिली। फ्रांसिस बेकन जो थे उनकी प्रॉपर्टी में से ये प्लॉट था, और असल में ये प्लॉट उन्होंने ख़रीदा था, बेचने वाले ने इनको धोखा दिया था, और इनकी उनसे जो है केस भी हुए, जी का जंजाल भी बना ये प्लॉट। बहरहाल चलिए आगे देखते हैं। एसेक्स रिबिलियन एसेक्स में जो क्रांति हुई ब्रोक आउट इन ईयर 1601 वो 1601 में हुई। लॉर्ड सदम्पटन वॉज इम्प्रिजेंट, लॉर्ड सदम्पटन जो इनके पैट्रॉन संरक्षक रह चुके हैं उनको गिरफ्तार किया गया, इसमें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा। जेम्स फर्स्ट किंग एक्सेशन 1603, जेम्स फर्स्ट ने जो है जिनका जब राज्याभिषेक हुआ तो उनको जो है इम्प्रिजन कर दिया गया। देन एट दैट टाइम शेक्सपियर्स फॉर्च्यून सफर्ड, उस थोड़े समय के लिए विलियम शेक्सपियर का जो भाग्य था वो कष्ट उठाया, अ टेम्पररी एक्लिप्स, और थोड़ा सा इनकी कामों पर ग्रहण भी लगा, इनकी कमाई पर ग्रहण भी लगा, और थोड़ा सा मुश्किल टाइम इनका गुजरा। ही वॉज सक्सेसफुल एक्टर इन लंदन बिटवीन 1585 to 1592, ये 1585 से 1592 के बीच में एक्टर भी रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल एक्टर भी रहे। प्ले लिखना इसके बाद इन्होंने शुरू किया।
ही वॉज द शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर में शेयर होल्डर थे एंड ब्लैक फायर थिएटर, और ब्लैक फायर थिएटर में भी ये शेयर होल्डर थे। मूवीज़ आप देखें, विलियम शेक्सपियर की प्लेस पर जो है कुछ मूवीज़ बनी हैं, मूवीज़ ऑन विलियम शेक्सपियर्स वर्क। अंगूर, ये संजीव कुमार का डबल रोल था इस फिल्म के अंदर। ये फिल्म आई थी कॉमेडी ऑफ एरर्स पे, ये बहुत कॉमेडी फिल्म थी और बहुत सुपरहिट हुई थी। ये हैदर, ये हैमलेट पर बनी फिल्म है। और मकबूल, इरफान खान इसमें मुख्य कलाकार थे। मैकबेथ के ऊपर बनी फिल्म मकबूल। ओमकारा, ये सैफ अली खान इसमें थे। ओथेलो के ऊपर बनी हुई फिल्म है ये ओमकारा। सौदागर, ये एक फिल्म आई थी, इसमें मनीषा थी और एक हीरो था उस समय का, रोमियो एंड जूलियट, दिलीप कुमार वगैरह भी इसके अंदर थे। ये सौदागर रोमियो एंड जूलियट पर बनी थी, दिलीप कुमार और राजकुमार की दोस्ती उसके अंदर दिखाई थी। द ग्लोब थिएटर, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ग्लोब थिएटर कब बना? ये बिल्ट हुआ 1599 में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुआ? 1598 में। बर्नड, फिर ये जला 1613 में, ये जल रहा था उस समय, जल गया ये जिस समय प्ले हेनरी एट्थ खेला जा रहा था उस समय ग्लोब थिएटर जल गया था। रीबिल्ट हुआ 1614 में, 1614 में ये फिर से बनाया गया। फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए क्लोज्ड हो गया 1642 में। ये कहाँ पर स्थित है? ये लंदन में है। आफ्टर 1599 हेयर शेक्सपियर्स प्लेज वर परफॉर्म, यहाँ पर 1599 के बाद शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले परफॉर्म किए गए। ऑन 29th June 1613 द ग्लोब थिएटर वॉज डिस्ट्रॉयड। ये आपको बता दें 29 जून को, 1613 की 29 जून को ग्लोब थिएटर क्या हुआ? वॉज डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था बाई फायर, आग के द्वारा। इसमें आग लग गई थी। ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इज ट्रू, एक नाटक खेला जा रहा था, इसका ओरिजिनल नाम था ऑल इज ट्रू, जिसको हम लोग हेनरी एट्थ के नाम से जानते हैं। आप याद रखें हेनरी एट्थ का ओरिजिनल नाम है ऑल इज ट्रू। ये मेजरमेंट इसकी देखें 45 वाइड एंड 30 फीट लॉन्ग, 45 बाई 30 का ये जो है करीब लंबा चौड़ा है, और 3 to 5 feet हाई स्टेज इसका, 3 से लेकर 5 feet तक इसका स्टेज जो है वो ऊंचा था। विलियम शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट इन द प्ले, ये देखिए अगला वाला पॉइंट जो दिया है। विलियम शेक्सपियर ने अपनी नाटकों में प्ले किया है तो उसमें घोस्ट बने थे। ये हेमलेट में ये घोस्ट बने थे, हेमलेट में ये हेमलेट का घोस्ट बने थे, राजा हेमलेट का। और जो एडम का रोल निभाया उन्होंने एज यू लाइक इट में, और किंग डंकन का रोल निभाया उन्होंने मैकबेथ में। अपनी नाटकों में उन्होंने कभी कभी एक्टिंग भी की है। शेक्सपियर प्ले इन विच वी फर्स्ट फाइंड घोस्ट, और ये देखिए ये कुछ नाटक, करीब करीब 4 नाटक यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके 4 प्ले ऐसे हैं जिनमें शेक्सपियर ने घोस्ट यानी भूत का इस्तेमाल किया है। हेमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, रिचर्ड सेकेंड, इसमें इन्होंने घोस्ट का प्रयोग किया है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, शेक्सपियर यूज्ड ऑफ स्टॉर्म, कुछ नाटकों में इन्होंने तूफान का भी सहारा लिया है। वो कौन कौन से हैं? किंग लियर, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लेस, द विंड सो, द विंटर्स टेल, ये 4 नाटक ऐसे हैं जिसमें इन्होंने स्टॉर्म का भी सहारा लिया है। शेक्सपियर प्लेज विद कोरस, इसमें कई लोगों ने एक साथ मिलकर समूह गान किया है, तो वो कौन से नाटक हैं? वो हैं रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ और पेरिकल्स। इसके अंदर कोरस यानी समूह गान के साथ में इसको शुरू किया है। शेक्सपियर प्लेज विद एपिलॉग, एपिलॉग इसमें द टेम्पेस्ट में कौन बोल रहा है? स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो, अपनी पूरी कहानी टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो ने अपनी पूरी कहानी बताई है। इसके अंदर एक तरह से हीरो भी हैं और पूरे नाटक के जो हैं ये एंकर भी रहे, इसको एपिलॉग बोलते हैं। एज यू लाइक इट, ये स्पोकन बाई डांसर, डांसर ने तरह तरह की भाव भंगिमाएं करके एज यू लाइक इट को क्लियर किया। किंग हेनरी में स्पोकन बाई रोजालिंड, और ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में किंग ने अपनी पूरी कहानी से बताई है। शेक्सपियर प्ले विद प्रोलोग, इसमें प्रोलोग के साथ में देखते हैं। अभी एपिलॉग देखा आपने, प्रोलोग में देखें हेनरी एट्थ या फिर ऑल इज ट्रू, 2 नाम हैं इसके। 32 लाइन का इसमें प्रोलॉग है। हेनरी फिफ्थ 34 लाइंस का, हेनरी फोर्थ में पार्ट टू में इसमें तकरीबन 40 लाइंस का प्रोलॉग इसके अंदर है, और रोमियो एंड जूलियट में 14 लाइंस का प्रोलॉग है। पेरिकल्स में 42 लाइंस का, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में 31 लाइंस का। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं
फर्स्ट बायोग्राफी ऑन शेक्सपियर, शेक्सपियर के जीवन पर पहली बायोग्राफी जो लिखी है वो किसने लिखी है, पब्लिश की है निकोलस रोवे ने 1709 में, 1709 में निकोलस रोवे ने सबसे पहले इनकी बायोग्राफी को जो है पब्लिश किया। फिर शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं ये देखते हैं, शेक्सपियर रोड इस प्ले कब लिखे हैं तो 16th-17th century के बीच में इन्होंने अपने ज़्यादातर प्ले जो है वो लिखे हैं, 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी। आपको बता दें कि इन्होंने जो है 1599 के बाद, यानी ये 16वीं शताब्दी का एंड चल रहा था 1599 अपने 16वीं शताब्दी के आखिरी में और 17वीं शताब्दी के शुरू में इन्होंने अपने प्ले लिखे हैं। और ये देखिए फेमस फीमेल कैरेक्टर विलियम शेक्सपियर के, ये देखिए डेस्डिमोना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाए डेस्डिमोना, और उसके अंदर हीरोइन थी ओथेलो में, उसकी बहुत ज़्यादा उसकी डिवोशन दिखाया इसमें, इमिलिया इसके साथ देती थी अक्सर, तो डेस्डिमोना इमिलिया ये ओथेलो में फीमेल कैरेक्टर बहुत फेमस हुए। गर्ट्रूड और ओफेलिया, गर्ट्रूड हेमलेट की माँ बनी है ये गर्ट्रूड इसका, और ओफेलिया इसके अंदर दिए, ये हेमलेट के अंदर दोनों लेडीज़ जो हैं ये बहुत फेमस हैं, गोनरिल और कॉर्डेला और रीगन, ये किंग लियर की तीन बेटियों के नाम हैं, ये भी बहुत फेमस फीमेल कैरेक्टर हैं। सीलिया रोजालिन ए इन एज यू लाइक इट में सीलिया रोजालिन के कैरेक्टर प्रभावी रहे। पोर्शिया इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर, दो जगह इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी पोर्शिया का रोल रहा है, और पोर्शिया नाम का कैरेक्टर जूलियस सीजर में भी ब्रूटस की पत्नी के रूप में छाया था। कैलिफोर्निया भी जूलियस सीजर में थी। हर्मिया हेलेना टिटेनिया ये मिड समर नाइट्स ड्रीम में, ये तीन कैरेक्टर लेडीज़ के रहे बहुत फेमस रहे, और एड्रियाना लुसियाना इन कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये दोनों सगी बहनें थी इस नाटक में और दोनों का एक जैसी जुड़वा थी, ये एक जैसी दिखाई देती थी, ये वजह से कॉमेडी ऑफ एरर्स में बहुत हंसी हुई। बीट्राइस और हीरो ये दो लेडीज इन मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें इनकी कैरेक्टर काफ़ी प्रभावी रहे। हर्मियोनी और पॉलिनिया पर्डिटा ये अविंटर्स टेल की हीरोइंस हैं। हेलेना इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में हेलेना प्रभावी रही हैं, काफ़ी सक्षम रोल इन्होंने निभाया है। इमोजेन सिम्बेलाइन में और इसाबेल इन मीजर फॉर मीजर में। ओलिविया और व्योला 12th Night में। वोलमनिया इन कैरियोलेनस में। थ्री विचेज ये तीन चुड़ैलें, ये मैकबेथ को तीन चुड़ैलें मिली थी जिन्होंने तीन भविष्यवाणी की थी, ये तीन चुड़ैलें जो हैं ये पूरे मैकबेथ में छाई रहीं। और ये टमोरा और लवीनिया इन टीटियस एंड ओनिकस में रहीं। द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस इन लव्स लेबर्स लॉस्ट में। द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस ये भेष बदल के अक्सर हीरो के सामने आती थी। मार्गरेट ऑफ अंजियो ये हेनरी फोर्थ में Part 1 और 2 में है, और ये Part 3 में भी है, और इस Richard 3 में भी रही है मार्गरेट ऑफ अंजियो। मिरांडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिरांडा इन द Tempest। कैथरीना और बियंका इन द टेमिंग ऑफ द शेरियो में, कैथरीना और बियंका ये है। जूलिया इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना ये इनके फीमेल कैरेक्टर बहुत ही फेमस हुए हैं, इसलिए इनको जो है इनको बड़े ध्यान से याद करें। और आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर्स के विलेन ये लेडी मैकबेथ किसमें, मैकबेथ में लेडी मैकबेथ ने विलेन का रोल निभाया, और ओथेलो में इयागो ने ज़बरदस्त विलेन का रोल निभाया। क्लोडियस ने हेमलेट में इनके चाचा बने थे जिन्होंने की इनके बाप को मार के उसकी जगह खुद बादशाह बन गए थे और इनकी माँ से शादी कर ली थी। द क्वीन इस सिम्बेलाइन में रही, और ब्रूटस जूलियस सीजर में, ब्रूटस जूलियस सीजर में बावजूद विलेन के एक हीरो की तरह रहा है, और वो तो भटकाया हुआ एक इंसान था, वरना बहुत अच्छा इंसान उसमें दिखाया इसको ब्रूटस को। और ये कैरियोलेनस में कैरियोलेनस ये अपने आप में एक विलेन रहा है। टाई बेल्ट रोमियो एंड जूलियट में टाई बेल्ट। अलियंटेस द विंटर्स टेल में। थमोरा टीटस एंटोनिकस में, और टीटस एंडोनिकस में ये लोग जो है विलेन रहे। एंजेलो मीजर फॉर मीजर में। रिचर्ड थर्ड में। और गोनरिल एंड रीगन ये अपने बाप राजा को बेवकूफ़ बनाती रहीं। किंग लियर में ये रही हैं विलेन। कैसियस ये बहुत ही काया किस्म का बहुत कमीना इंसान रहा है जूलियस सीजर के अंदर, एक ऐसा कैरेक्टर रहा है विलियम शेक्सपियर्स कैरेक्टर नोन फॉर। इनके कैरेक्टर ये जाने जाते हैं किसके लिए, देखते हैं किंग लियर फॉर सिंप्लिसिटी इन किंग लियर। किंग लियर नाम के प्ले में किंग लियर जो है बहुत ही साधारण
किस्म के एक राजा थे, सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, आसानी से बेवकूफ़ बन जाते थे, ये बुद्धिमानी भरी बातों को नहीं पहचान पाते थे, इसलिए पूरी पूरे नाटक में सफ़र करते रहे, कष्ट उठाते रहे। ब्रूटस फॉर नेबिलिटी, ब्रूटस बहुत श्रेष्ठ आदमी थे, लेकिन लेकिन ये भी कानों के कच्चे निकले, जूलियस सीजर। डेसडिमोना फॉर डिवोशन, डेसडिमोना जो है अपने त्याग बलिदान के लिए ओथेलो में बहुत फेमस थी, बावजूद अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने के एक बंदी ओथेलो के हाथ से मारी गई मगर कुछ भूला नहीं। लेडी मैकबेथ फॉर फेयरीनेस, ये अपनी आग उगलने वाली जवाबों से बहुत फेमस रही, लेडी मैकबेथ। बीट्राइस फॉर बाइटिंग सार्केज्म, बीट्राइस ये ताने मुन्ने के लिए, बहुत ताना मारने के लिए बहुत तेज़ रही, मच एरो अबाउट नथिंग में। और एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, ये ट्वेल्थ नाइट में कौन रहा, ये एंटोनियो फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती के लिए जाना जाता है। यागो फॉर विलेनी, यागो अपनी विलेनशिप के लिए ओथेलो में। और मिरांडा फॉर ब्यूटी, मिरांडा और पर्डिरा ये दोनों ब्यूटीफुल कैरेक्टर रहे द टेम्पेस्ट एंड द विंटर्स टेल में। और ये पोर्शिया द इंटेलेक्चुअलिटी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में अपनी बुद्धिमानी के लिए पोर्शिया उसमें जानी जाती है, किस तरीके से उसने उसमें हीरो को जो है उसमें बचाया था दलीलों से अपनी। फेमस शेक्सपियरियन क्लोन्स, ये देखें जोकर, जो कि काफ़ी हंसाते भी थे और बहुत बुद्धिमानी भरा काम भी करते थे, हालांकि इनको फूल कहा जाता था और लोग बेवकूफ़ समझ के इनको हंसते थे, ये देखते हैं विलियम शेक्सपियर के नाटकों में। योरिक हैमलेट में थे, क्लोन इन ओथेलो में, ट्रिंक्यूरो इन द टेम्पेस्ट, द फूल इन किंग लियर, और टचस्टोन इन एज यू लाइक इट, द पोर्टर इन मैकबेथ, क्लोटेन सिम्बेलिन, थर्साइड्स ये इन ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, द ग्रेव डिगर्स के माइनिंग कब्र खोदने वाले हैं किसमें था जी, इन हैमलेट, स्पीड इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, पुक इन अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, पॉम्पे इन मीजर फॉर मीजर, निक बॉटम अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, लवाशे इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, लॉन्स टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ग्रूमियो इन द टेमिंग ऑफ द श्रियो, ऑटो लाइकस इन द विंटर्स टेल, लॉन्सलॉट कब्बो इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत हंसाने वाला कैरेक्टर था ये, फेस्ट इन ट्वेल्थ नाइट, फॉल्स्टफ का कैरेक्टर तो अपने आप में ज़बरदस्त वेशभूषा बनाई थी, इसमें खुद विलियम शेक्सपियर बने थे, वीडियो द मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर में, हैंडी फोर्थ में पार्ट वन और टू में भी फॉल्स्टफ का कैरेक्टर काफ़ी हंसाने वाला रहा है। रोमियो इन ऑफ एफेसस एंड साइरिकस, रोमियो ये दो सगे भाई एफेसस और साइरिकस के अलग अलग, ये इसके अंदर कॉमेडी ऑफ एरर्स में काफ़ी हंसाने वाला कैरेक्टर रहा है। कोस्टार्ड इन लव्स लेबर लॉस्ट, डॉग बेरी इन मच अडॉट अबाउट नथिंग में, सिटीजन इन जूलियस सीजर, अ फूल इन टिमोन ऑफ एथेंस, क्लोन इन टीटस एंड्रोनिकस, ये सारे के सारे जो हैं विलियम शेक्सपियर के क्लोन हैं, जो कि बहुत बुद्धिमान भी और बहुत हंसाने वाले कैरेक्टर भी और मूर्ख भी रहे इसके अंदर। देखिए किसने क्या कहा विलियम शेक्सपियर के बारे में, आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे वीडियो जो है वो बहुत ही लेंथी भी होती जा रही है और बहुत काम की होती जा रही है, अगर आप इस बात की समझ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और उसका फ़ायदा उठाएं। किसने क्या कहा विलियम शेक्सपियर को, स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, बेन जॉनसन ने कहा इनके बारे में, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मगर इन्होंने ज़बरदस्त नाटक लिखा लिए। द वंडर ऑफ अवर स्टेज, बेन जॉनसन ने ये बात भी इनके लिए कही। द सोल ऑफ द एज, अपने ज़माने की आत्मा, ओहो किसने कहा, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ये भी बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा, बेन जॉनसन इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। स्वीट सॉन ऑफ अवन, ये भी बेन जॉनसन ने इनके बारे में कहा है। हु पब्लिश द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, इसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, निकोलस रोवे ने सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पब्लिश किया है 1709 में। Others abide our question, thou art free, ये कौन कह रहा है इनके बारे में, मैथ्यू अर्नोल्ड, किस में कह रहा है ये, इन हिज पोएम शेक्सपियर में, पोएम का नाम दिया है इन हिज पोएम शेक्सपियर, ये जो हिज है ना हिज, ये मैथ्यू अर्नोल्ड है असल में, इन हिज पोएम शेक्सपियर, ये हिज जो है ये मैथ्यू अर्नोल्ड के लिए है। मैथ्यू अर्नोल्ड रोड फॉर विलियम शेक्सपियर, क्या कहा इन्होंने, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन थाउ आर्ट फ्री।
ये मेलिफिलियस, मेलिफ्लुअस शेक्सपियर, मधुर रस भरा शेक्सपियर, थॉमस हेवुड ने इनके बारे में कहा है। और देखें आगे गोएथे को क्या कह रहा है इनके लिए, गुथे आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवन इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। कौन कह रहा है जी? गुथे कह रहे हैं इनके बारे में, पता नहीं क्या थे मगर गुथे मच। इसके बाद देखें कुछ और भी कहा गुथे ने, ये क्या कहा, मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग टू से। गुथे क्या थे? गुथे स्वीट एस शेक्सपियर फैंसी इज चाइल्ड। ओह जॉन मिल्टन कह रहे होंगे ये बात तो इनके बारे में, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट ईयर ऑफ फेम। कौन कह रहा है इनके बारे में? जॉन मिल्टन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट्स हैं ये, इनको ज़रूर याद कर लें। एन अब स्टार्ट क्रो घमंडी कौआ रॉबर्ट ग्रीनी, बहुत चिढ़ते थे ये विलियम शेक्सपियर से उनके ज़माने के, बहुत चिढ़ते थे ये, पता नहीं क्या क्या इन्होंने विलियम शेक्सपियर को कह डाला है। कोई बुराई अगर आपको समझ में आए तो बेधड़क लिख देना कि रॉबर्ट ग्रीनी ने कहा इनके बारे में। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली हीरोइंस। कौन कह रहा है? जॉन रस्किन, कि इनके पास हीरो थे ही नहीं, हीरोइन हीरोइन थी। ओहो आई एडमायर हिम, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ बेन जॉनसन की, बट लव शेक्सपियर। कौन कह रहा है ये? जॉन ड्राइडन। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनके बारे में बहुत शानदार लाइन कही है। तो उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ रही होगी किसने क्या कहा। देखते हैं, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोएट। ओह विलियम जे लॉन्ग कह रहे हैं इनके बारे में, ही इज़ ए यूनिवर्सल पोएट, ही इज़ अ वर्ल्डली पोएट। कौन कह रहा है ये? विलियम जे लॉन्ग, द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैव येट प्रोड्यूस्ड। ये सब विलियम जे लॉन्ग के बारे में कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट लव शेक्सपियर, शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोएट हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। जॉन ड्राइडन ने इनके बारे में ये बात कही है, जॉन ड्राइडन। ये आगे देखते हैं, अवर माइराइड माइंडेड शेक्सपियर, ये एस टी कॉलरेज ने इनके बारे में ये बात कही, अवर माइराइड माइंडेड शेक्सपियर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आ चुकी है। टी एस एलियट क्या कह रहे हैं इनके बारे में देखते हैं, वी शुड नॉट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विच शेक्सपियर डिड नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइडेड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओह कह रहे दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को बांट लिया बिटवीन देम, अपने दोनों के बीच में है, देयर इज नो थर्ड वन, के बीच कोई तीसरा नहीं। कितना ज़बरदस्त मामला इन्होंने लिख दिया टी एस एलियट ने, और बड़ा चला के लिखने का इनके पास कुछ शायद था नहीं इसके अलावा। चलिए आगे देखते हैं, वेन एवर आई एम आस्क्ड हु इज द प्ले राइट, हु इज़ द प्ले राइट हु हैज़ इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, आई से शेक्सपियर। गिरीश कर्नाड कह रहे अपने बारे में कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया, विलियम शेक्सपियर ने। अपने आप से सवाल करता हूँ तो नाम एक ही आता है, विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट एवर एग्जिस्ट। हॉरेस वॉलपोल कह रहे हैं इनके बारे में, ही ब्रीथड अपॉन डेड बॉडीज, उसने सांस कहाँ पर ली, लाशों के ऊपर, एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ, और उनके अंदर जीवन डाल दिया। कौन कह रहा है ये? राल्फ वाल्डो इमर्सन, आर डब्ल्यू इमर्सन, अ ड्रंकर सेवेज विद सम इमेजिनेशन। ये कौन कह रहा है? वॉल्टेयर। वॉल्टेयर एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने विलियम शेक्सपियर की बुराई भी की है और तारीफ भी की है, ये जो है निष्पक्ष इंसान रहे। शेक्सपियर इज सेवेज विद स्पीक ऑफ जीनियस विच शाइन इन ए हॉरिबल नाइट, ये वॉल्टेयर ने कहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट लगी होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त हो चुकी होंगी और कुछ ऐसी होंगी जो आपको सिर्फ यहीं से प्राप्त हो रही होंगी। ऐसी बहुत सारी और जानकारी लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अपने दोस्तों में बांटें भी। एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने की संभावना है, हो सकता है कि ये हो सकता है मे बी जनवरी और मार्च, तो अपनी तैयारी को थाम कर रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।